नमस्कार दोस्तों मैं प्रभात कुमार स्वागत करता हूं प्रभात होल्डिंग सर्विस में दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं निफ्टी बैंक निफ्टी की कल के लिए रणनीति यानी निफ्टी बैंक निफ्टी क्या करेगा क्या कल ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा मार्केट रफ्तार में है लिटरली और इस रफ्तार में क्या आपको बाइंग करनी चाहिए या सेलिंग करनी चाहिए ये सारे सवालों के मैं आंसर देने वाला हूं आज की वीडियो में वीडियो होगी बहुत ही इंटरेस्टिंग और पता है और हम चार स्टॉक को एनालाइज करने वाले हैं और दोस्तों उन चार स्टॉक को हम क्यों चूज कर रहे हैं उसके पीछे का मैं आपको रीजन भी बताऊंगा तो वीडियो होगी बहुत ही लाजवाब बहुत इंटरेस्टिंग थोड़ी सी लेंदी होगी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि वीडियो को स्किप मत कीजिए अगर आपके पास टाइम नहीं है आप वॉच लेटर में लगा के छोड़ दीजिए और हम अपने प्रीवियस स्टॉक के परफॉर्मेंस और हम टेलीग्राम स्टॉक के परफॉर्मेंस का रिव्यू लेंगे स्टार्टिंग में तो मैं चाहता हूं आज की इस वीडियो मेरे को चाहिए मैक्सिमम लाइक

अच्छा अगर बात करें हम किसकी मैकडोवल की मैकडोवल ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिया दोस्तों और मैकडोवल में आई होप आपने बढ़िया प्रॉफिट बुक किया अगर बात करें आई, से आई से बैंक की एक लौता ऐसा स्ट्रेट था जो कि पूरे होल मार्केट में नेगेटिव था ये पावर है निकल की और बढ़िया आपने प्रॉफिट बुक किया 37 के आसपास मैंने मॉर्निंग में थोड़ा मना कर दिया था क्योंकि ऊपर खुला था राइट एंड आई होप आपने शॉर्ट सेल किया होगा प्राइस एक्शन देख के अगर बात करें हम किसी एच लिमिटेड की अरे वाह एच लिमिटेड का ट्रेड आपको कैसा लगा कमेंट डाउन बिलो दोस्तों क्योंकि मेरे को आपके कमेंट के इंतजार रहेंगे क्योंकि हमने आपके लिए बहुत बढ़िया ट्रेड दिए थे लास्ट फ्राइडे के सेशन में तो ये था हमारे लास्ट के सेशन में ट्रेड अगर हम बात करें टेलीग्राम स्टॉक पे हमारे स्टॉक ने कैसा रिटर्न दिया आपको तो देखो इस बार तो मैंने आपका साथ नहीं छोड़ा इस बार मैंने आपको पहले आगाह कर दिया था मैंने आपको बोला कि लिस्ट फाइनेंस और उसके बाद मैंने शॉर्ट सेल दिया क्या बात है मजा ही आ गया क्या मजा ही आ गया दोस्तों कमेंट डाउन में लो कि आपने कैसा प्रॉफिट किया कितना बढ़िया प्रॉफिट किया और आपको एनालिसिस ये कैसा लगा होल मार्केट ऊपर था ये नीचे था राइट हमने आपको शॉर्ट हो दिया था आप देख आप देख सकते हैं चार्ट चार्टे आपके सामने है तो देखिए हम हर बार कंसिस्टेंट बेसिस से आपको मुनाफा देते जा रहे हैं चलिए जानते हैं कल के मार्केट का व्यू दोस्तों देखिए मार्केट क्लियर कट ब्रेकआउट दे चुका है ठीक है और हम हर बार बोलते आ रहे हैं कि देखो भाई डिप में बाय करो डिप में बाय करो ठीक है अभी क्या करना है आपको अभी देखिए नि, अभी निफ्टी ने क्या किया है निफ्टी ने एक देखो एक रेंज चल निफ्टी का देखो एक रेंज चल रहा था ये आप देख सकते हैं और निफ्टी इस रेंज के ना ब्रेकआउट दे चुका है यानी या, या, यानी यह रेंज कितने का था दोस्तों ये 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 रेंज था तेरह चौदह हज़ार दो सौ पचास का राइट चौदह चो, चो, हजार दो सौ पचास के आसपास बार 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 यहाँ पर रेजिफेंस ले रहा था अब ये ब्रेकआउट कर चुका है क्या करना है आपको आपको बाय करके चलना है जब तक निफ्टी चौदह हज़ार uh, कितना दो सौ पचास के ऊपर रहता है अभी सौ पॉइंट ऊपर है राइट नौ नब्बे सौ पॉइंट ऊपर है बट अभी भी बाय करके चलना बेसिकली देखो खुआ क्या है एक तो उसने इस इस डबल टॉप का ब्रेकआउट दिया और इसने इस डबल टॉप का ब्रेकआउट दे दिया राइट right? तो अब डिप मिल सकता है कहीं भी यहाँ भी मिलेगा डिप और यहाँ भी मिलेगा तो भी आप बाय करके चलिएगा बाकी देखिए एस डी एक्स निफ्टी के, के फीचर्स देख के मेरे को ये लग रहा है कि निफ, निफ्टी चौदह हज़ार पाँच सौ के आसपास खुलने वाला है तो बहुत बड़ा गैप खुलेगा तो थोड़ा सा होल्ड करिए गैप फिलिंग करेगा तभी आपको एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलेगा ठीक है यूजुअली बाइंग ऑन डिप की रणनीति है और देखो यार जिन लोगों को लग रहा है मार्केट नीचे आएगा इतनी आसानी से नीचे नहीं आएगा ठीक है हम न्यूट्रल होकर चलते हैं आई नो काफी सारे लोग यहाँ पे शॉर्टर्स बैठे हैं जो लोग केवल मार्केट को शॉर्ट करना जानते हैं नहीं <laughs> क्यों शॉर्ट करना है वी हैव टू बी विद द ट्रेंड ठीक है तो बाय करके चलना है ओवरऑल हमको निफ्टी को राइट जब तक हमको डिप मिलता है फोर्टीन uh, तक या फोर्टीन तक राइट अच्छा एस क्या होगा दोस्तों क्लोजिंग बेस पे आपका एसल हो जाएगा फोर्टीन का ठीक है डिप मिलता है कभी भी आपको बाय करके चलना है अब गैप अप खुलेगा तो सारी अपॉर्चुनिटी में सु जाएगी अब आपको बस गैप फिलिंग का थोड़ा सा वेट करना है एंड क्लोज करता है इसके नीचे तो हम इसको शॉर्ट सर्ट करके चल सकते हैं चौदह हजार दो सौ सत्तर का एसल लगा के फिर नीचे साइड टारगेट क्या होंगे चौदह हज़ार के एंड जो सेकंड टारगेट होगा वो होगा 14,150 का ये दो टारगेट के आपको बेच के भी चलना है निफ्टी को आई होप आप एक एक रणनीति समझ रहे हैं निफ्टी निफ्टी की और पॉइंट्स को बिल्कुल गौर गौर कर रहे हैं ठीक है अच्छा देखो जब भी गैप खुलता है ये इधर आता ही है ठीक है तो परंतु इस बार नहीं आया था तो, तो हो सकता है हो सकता है निफ्टी ऐसा भी करे गैप खुले और वहीं से वहीं बढ़ने लग जाए राइट हो सकता है गैप फिल भी करें तो आप प्राइस देख के काम करिएगा सिचुएशन समझ के काम करिएगा कल के डेट में जानते हैं बैंक निफ्टी का व्यू दोस्तों देखिए बैंक निफ्टी एक लेगार्ड बना हुआ है राइट मतलब निफ्टी भागे जा रहा है लेकिन बैंक निफ्टी वहीं का वहीं है जब आपका ये लेवल तोड़ दे यानी कि ये कितना है आपका ये आपका है थर्टी टू थाउजेंड थर्टी टू थाउजेंड सॉरी थर्टी वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड का जब 31,900 लेवल तोड़ दे तो आपको फिर शॉर्ट सेल का रणनीति रखना है बैंक निफ्टी में फॉर श्योर एसएल कितना लगाएंगे 31,970 का सत्तर पॉइंट का लगा देंगे फिर शॉर्ट फिर शॉर्ट सेल करके चल सकते हैं 31,600 एंड 31,500 के टारगेट के लिए ये हो गया पहला सेलिंग का रणनीति याद रखिएगा ठीक है क्योंकि हमने अभी हमने अभी क्या किया ये वाली सपोर्ट लाइन को हमने रिस्पेक्ट किया क्योंकि देखो हर बार यहां पे बाउंस लेके ऊपर जाता है बाउंस लेके ऊपर जाता है इसलिए हम यहां पे हमको इसके नीचे शॉर्ट करेंगे करके चलेंगे अब सुनिए जब तक हमारा बत्तीस का जब तक हमारा थर्टी वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड का लेवल सस्टेन रहता है तो हमको इसको फिर बाय के लिए देखना है बैंक निफ्टी को सोचना मत सेलिंग के लिए अगर जब, जब तक आपका थर्टी वन थाउजेंड नाइन तो हंड्रेड के ऊपर रहता है राइट अब देखिए अब क्या है अब मान लीजिए अब गैप खुलेगा अगर गैप सस्टेन कर गया फिर तो आपका बैंक निफ्टी शूटअप करने वाला है क्योंकि बैंक निफ्टी एक लेगार्ड बना हुआ है राइट तो हमें अब बाय करके कब चलना है बैंक निफ्टी को धान सो आपको बाय करके तभी चलना है बैंक निफ्टी को जब आपका बैंक निफ्टी इसके ऊपर निकल जाए दोस्तों ये कितना लेवल है ये आपका लेवल है बत्तीस हजार डेढ़ सौ एक सौ हाँ थर्टी टू थाउजेंड वन फिफ्टी का बाय अव थर्टी टू थाउजेंड वन फिफ्टी राइट एसल क्या होगा एसल हो जाएगा थर्टी टू थाउजेंड सेवेंटी का ठीक है एंड आपका जो टारगेट होगा वो होगा थर्टी टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड का एंड सेकेंड टारगेट क्या होगा सेकंड टारगेट होगा आपका थर्टी टू थाउजेंड फोर फिफ्टी का इन दो टारगेट लिए आपको बाय करके चलना है बैंक निफ्टी को रणनीति मैंने समझा दी है ठीक है रेंज बन रहा है आप देखते हैं रेंज ब्रेकआउट होता है तो बाय करेंगे फोर छोर अगर ये टूटता है तो हम इसको सेल करके चलेंगे आई होप एक एक पॉइंट समझ रहे हो और बता रहा हूं इसके पीछे क्या रीजन है आप सम, स, स, सब कुछ समझ पा रहे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पूरा खेल है जी ठीक है ये रणनीति हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी की चलिए जानते हैं अपने स्टॉक्स के बारे में जो पहला स्टॉक है हमारा उसका नाम है बंधन बैंक हाँ जी बंधन बैंक को बाय करके चलना है क्योंकि देखिए बंधन बैंक ने क्या किया है बंधन बैंक ने ब्रेकआउट कर दिया एक डब्लू पैटर्न का आप देख सकते हैं डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट कर दिया है अब बाय करके चलना है एक तो ये एक तो इसने भी ब्रेकआउट कर दिया और एक ऐसे भी इसने ब्रेकआउट कर दिया है ठीक है अब हमको जब तक बंधन बैंक फोर के ऊपर रहता तब तब तक आपको बाय करके चलना है बाय अव फोर हंड्रेड फिफ्टीन ठीक है एसल क्या होगा क्लोजिंग बेसिस पे फोर हंड्रेड फिफ्टीन का आंसर हो जाएगा क्लोजिंग बेसिस पे ठीक है जो टारगेट होंगे अब मान लीजिए <coughs> अब फ्लैट खुलता है ठीक है अब फ्लैट खुलता है तो तो फिर आपका एसल अलग हो जाएगा ये ये अगर डिप मिलता है तो अगर फ्लैट खुलता है तो आपका टारगेट आपका ऐसा क्या हो जाएगा वहाँ पे आपका असल हो जाएगा अभी कहाँ है 419 पे आपका उस टाइम भी एसल हो जाएगा 417 का अगर फ्लैट खुलता है तो ऐसा हो जाएगा राइट फिर आपके टारगेट क्या होंगे आपके टारगेट हो जाएंगे फोर के एंड सेकेंड टारगेट क्या होगा फोर हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स का ये दो टारगेट टार्ग आपको बाय करके चलना है अगर फ्लैट खुलता है तो फ्लैट खुलने वाली सिचुएशन में आपको करके चलना है राइट डिप मिलता है तो एक्सल कुछ और हो जाएगा ठीक है ये हो जाएगा हमारा एक्सेल टारगेट मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं जाकर जुड़ जाइए दोस्तों देखो टेलीग्राम में जुड़ने के लिए आपको सिंपल सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है उस लिंक पे क्लिक करना है लिंक पे क्लिक करने से पहले आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा राइट क्योंकि अगर आप टेलीग्राम एप्लीकेशन आपने नहीं डाउनलोड किया तो आप मिस कर रहे हैं बहुत सारे, सारे, सारे है है है? यूपीएल यूपीएल को बाय करके चलना है क्योंकि डेली के चार्ट आप क्लियर पे देख सकते हैं ठीक है बाय करके चलना है आपको यूपीएल ने ब्रेकआउट कर दिया ठीक है यूपीएल को आपको कब बाय करके चलना है जब तक आपका यूपीएल फोर फोर फाइव के ऊपर रहता है ठीक है फोर फाइव के ऊपर बाय अवब फोर नाइन्टी के ऊपर ठीक है एसएल क्या होगा क्लोजिंग बेसिस पे आपका एसएल वही हो जाएगा ठीक है डिप मिलता है तो भी आपको बाय करके चलना है डिप मिलेगा तो ये आपका असल हो जाएगा टारगेट टारगेट फिर आपके ना आपके हो जाएंगे फाइव के एंड फाइव हंड्रेड फाइव के ये दो टारगेट हो जाएंगे अगर मान लो फ्लैट खुलता है 503 के आसपास पास अगर 503 के आसपास ही खुलता है तो वहाँ पे क्या करना है सुनिए अगर फ्लैट खुल जाता है तो क्या करना है आपको पाँच का लगाना आपको स्टॉप लॉस और बाय करके चलना है जो फर्स्ट टारगेट होंगे वो होगा आपका 508 का फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट क्या होगा 510 का इन दो टारगेट आपको बाय करके चलना है यू पी एल को बाकी पहले आप देखिएगा प्राइस एक्शन अगर आप हमारी वीडियोस को केवल टिप्स के लिए देख रहे हैं नज़रिए से देख रहे हैं तो आप हमेशा पैसा गंवाएंगे दोस्तों ठीक है आपको ना बिल्कुल पूरी प्रॉफिट वीडियो देखनी है राइट जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको समझना है तभी आपको आपका प्रॉफिट निकलेगा तभी आप समझ पाएंगे चीज़ों को आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी ठीक है ये हो गया यूपीएल का जैसा आपने किस में किया था मैकडोवेल में, में राइट तो वो प्रकार वो प्रकार से आपको प्राइज एक्शन इसमें ढूंढ के चलना है बाकी इसने ब्रेकआउट

ब्रेकआउट इस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया है ये आप देख सकते हैं अगस्त का ये रेजिस्टेंस है राइट ये वाला रेजिस्टेंस है ठीक है और अब हमको क्या करके चलना है जब तक आपका फोर थर्टी फाइव के ऊपर रहता है, है। बाय अव कॉनकोर फोर थर्टी फाइव के ऊपर ठीक है डिप मिलता है तो भी आप बाय करके चलिएगा सिंपल सा अगर मैं फ्लैट की बात करूँ अगर मान लो अगर अगर फ्लैट खुल गया तो अब क्या करना है अगर फ्लैट खुल गया तो आपको तो वहां पे एसएल रखना है सिंपल सा वहाँ पे एसएल रख दीजिए आप 440 का ठीक है ऐसे हो जाएगा जो टारगेट होंगे वो होगा फोर हंड्रेड फोर्टी सिक्स का एंड सेकेंड टारगेट क्या होंगे फोर हंड्रेड फोर्टी एट के इन दो टारगेट के लिए आपको बाय करके चलना है ठीक है ये क्लोजिंग बेसिस का शॉप लॉस है जी ठीक है एक्जैक्टली exactly मतलब आइएगा जब कोई कैंडल दस मिनट की कोई इसके से कोई निकल जाएगी तो ही आपको क्लोज हो जाएगी तभी आपको निकलना है ठीक है ये है बाकी अगर डिप मिलता है तो वहाँ पे मैं टेलीग्राम पे हम मौजूद होंगे वहाँ पे ऐसे और टारगेट रिवाइज कर देंगे रखिएगा ज्यादा बड़ा गैप खुल जाए अवॉइड कर दीजिएगा ध्यान से राइट ये है कंटेनर कॉर्पोरेशन का स्टॉक ठीक है जो कि ब्रेकआउट दे चुका देखिए एक तो पहली बात इसने इस का तो, तो ब्रेकआउट दे दिया है ठीक है यहाँ पे रेंज बना था अब रेंज का ना ब्रेकआउट भी दे चुका है ठीक है ये है हमारा कंटेनर कॉरपोरेशन आइए जानते हैं अपना लास्ट स्टॉक जो लास्ट स्टॉक है उसका नाम है एस दोस्तों एस बी आई में हमको क्या करके चलना है बेच चलना है इसमें हम रणनीति लेके चल रहे हैं बाकी सबकी तरह जैसे हमने आपको आईसी दिया था जैसा हमने आपको एच लिमिटेड दिया था ठीक है यहाँ पे सिंपल सा मेरे को क्या दिख रहा है आप यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने ना ब्रेकआउट कर दिया है ठीक है और चांसेस आर टू गो डाउन राइट अब क्या करके चलना है सेल बिलो 287.50 एसएल क्या रहेगा 288.50 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा ठीक है और आपको बेच के चलना है चांसेस हैं ये नीचे आना चाहिए ठीक है बाकी बहुत बड़ा गैप अब खुल जाए अवॉइड कर दीजिएगा वहाँ पे कुछ ना कुछ प्राइज एक्शन दिखे आप बेच के चलिएगा वहां पे फिर राइट जो आपके टारगेट होंगे वो होगा आपका अगर मान लो थोड़ा उछाल मिलता तो तो जो आपके टारगेट होंगे वो होगा 285 का एंड सेकेंड टारगेट क्या होगा 283 का दोस्तों तो ये सारे स्टॉक बहुत सस्ते वाले हैं आप लोगों की बहुत डिमांड पे मैं ये स्टॉक लेके आया हूँ ठीक है काफी लोग की रिक्वेस्ट आती थी कि सर आप बहुत महंगे महंगे स्टॉक देते हैं इसलिए मैं आपको सस्ते वाले स्टॉक लेके आया हूं तो आई होप इन पर आप ट्वीट करिएगा और आई होप आपको आज की एनालिसिस पूरी समझ में आ गई है ठीक है तो एक हमारा सेलिंग स्टॉक है आई नो बाकी बैंक बाकी हमने बाइंग के लिए बनाया है एक हमको सेलिंग रखना पड़ेगा क्योंकि मार्केट अगर नीचे आता तो तो हमें इसमें एक डाउन मूवमेंट देखने को मिलेगी राइट सो दिस इज ऑल फॉर टुडे आप अपनी एनालिसिस जरूर करिएगा हमारे ट्रेड लेने से पहले ठीक है और कमेंट डाउन बिलो कि आज की वीडियो कैसी लगी और टेलीग्राम में जुड़ जाइए ढेर सारे अपडेट्स के लिए इसी प्रकार से प्यार बनाए रखिए और इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहिए टिल देन आज की वीडियो वाइंड अप करता हूँ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नमस्कार आप सभी को